Hello children, welcome back to my channel. Today I am going to explain you class fourth poem, A Watering Rhyme. This poem is about when to give water to the plants and how to give water to the plants. Okay, so let's start. Early in the morning or the evening are are the times to water every kind of flower.

जिससे प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें बेटर तरीके से ग्रो करें दैट इज मॉर्निंग और द इवनिंग टाइम तो हमें हमेशा याद रखना है जब भी वेनवर वी आर वाटरिंग द प्लांट वी शुड ऑलवेज वाटर इधर द मॉर्निंग टाइम और द इवनिंग टाइम ठीक है वॉटरिंग एट नून डे द सन इज हाई अगर आप दिन के समय नून डे यानी जो दिन का समय होता है वॉटरिंग एट नून डे अगर आप दिन के समय प्लांट को पानी दे रहे हैं फ्लावर को पानी दे रहे हैं वेन द सन इज हाई जब सन बहुत तेज होता है सूरज बहुत ही तेज होता है डज नॉट हेल्प द फ्लावर्स वो कोई फ्लावर्स की हेल्प नहीं करता ओनली मेक्स दैम डाई उससे सिर्फ ये होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो मर जाते हैं मुरझा जाते हैं सो देर इज़ नो यूज टू गिव वाटर टू द प्लांट्स एट नून तो आपको जब भी प्लांट्स को पानी देना है यू शुड ऑलवेज गिव वॉटर मॉर्निंग टाइम और द इवनिंग टाइम ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत ही सुंदर सी पिक्चर आप देख सकते हैं एक बॉय और गर्ल पानी दे रहे हैं वॉटर कर रहे हैं प्लांट्स को है ना सो ऑल्सो वेन यू वाटर वाटर एट द रूट्स फ्लार्स कीप दर माउथ वेयर वी शुड वेयर आर बूट्स सोक द अर्थ अराउंड दैम Then through all the heat, the flowers will have water for their thirsty feet. अब इस पैराग्राफ में पोयट ये बता रहे हैं कि हाउ किस तरीके से प्लांट्स को पानी देना चाहिए काफ़ी लोग बहुत ही गलत तरीके से प्लांट को पानी देते हैं तो क्या सही तरह तरीका है प्लांट को पानी देने का इस पैराग्राफ में पोएट ये बता रहे हैं सो so, पोयट कह रहे हैं ऑल्सो वेन यू वाटर वाटर एट द रूट्स जब भी आप प्लांट को पानी दे रहे हैं ऑलवेज इन योर माइंड दैट वाटर एट द रूट्स जड़ को ही पानी दे किसी और पार्ट प्लांट के पार्ट में पानी ना डालें क्योंकि अगर रूट्स को पानी मिलेगा तो रूट्स के रूट्स से हर एक प्लांट जो भी प्लांट के पार्ट होते हैं उस तक पानी पहुंच जाता है बट अगर आप लीफ को पानी देंगे तो रूट तक नहीं पहुंचेगा तो आपको रूट्स को पानी देना है ठीक है कि किसी और पार्ट को नहीं देना है रूट्स को देना है रूट से हर एक पार्ट तक पानी पहुंच जाता है सो so बोल रहे हैं कीप माउथ, वी आर बूट्स। अब जो होता है उनका माउथ कहाँ पे होता है वेयर वी शुड वेयर आर बूट्स तो जहां पर हम बूट्स पहनते यानी चप्पल पहनते वहां पर क्या होता है uh, फ्लार्स का माउथ होता है जैसा नो देखो दिस इज द फ्लार अब फ्लार का माउथ क्या नीचे है ना और हम नीचे क्या पहनते बूट्स पहनते हैं तो पोएट कह रहे हैं फ्लार्स अपना माउथ कहाँ पे रखते हैं? जहां पर हम अपने बूट्स पहनते अर्थ अराउंड थ्रू ऑल हीट अब आपने देखा होगा जब भी हम पानी डालते हैं प्लांट्स को तो पृथ्वी कहती है एकदम उसको क्या कर लेती है एब्जॉर्व कर लेती है क्योंकि द अर्थ बिकॉज द अर्थ इज़ वेरी यू नो गर्म होती है पृथ्वी जो होती है गर्म होती है एकदम से जब आप उसको पानी देते हैं प्लांट को तो पानी एकदम से क्या कर लेती है मिट्टी एब्जॉर्व कर लेती है क्योंकि उसके अंदर से क्या होती है हीट होती है सो सोक द अर्थ अराउंड दैम मिट्टी एकदम से पानी को एब्जॉर्ब करती है देन थ्रू ऑल द हीट द फ्लावर्स विल हैव वाटर फॉर देयर थर्स्टी फीट तो थर्स्ट यहाँ पे फीड से मतलब है रूट तो जैसे ही आप प्लांट को पानी देते हैं तो जो प्लांट की थर्स्टी रूट यानी प्यासी रूट्स होती हैं जब हम उनको पानी देते हैं तो उनको क्या है प्लांट को पानी मिल जाता है और जो प्लांट होता है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है ठीक है तो इस पोम में आपने क्या सीखा कि सही समय क्या है पानी देने का और किस समय हमें नहीं पानी देना चाहिए प्लांट को प्लस हमने देखा कि हमें सही तरीका क्या है प्लांट को पानी देने का ये हमने इस पोम में देखा तो जो इसके पोयट है दैट इज पीए ए आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पोम एंड थ्रू दिस पोम यू हैव लर्न यू नो अलाट ऑफ थिंग्स व्हिच यू विल बी फॉलोइंग इन योर लाइफ सो बाय सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय सी यू